हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द पोयम द रेवल ऑफ क्लास सेवन बुक हनीकॉम। इसमें हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर टू के साथ की पोयम है द रेवल। रेवल क्या होता है? रेवल का मीनिंग पहले हम देखेंगे। रेवल मीन्स होता है मतलब विद्रोही, किसी बिल्कुल सबसे अलग, अगेंस्ट है नी, जो सब करते हैं उससे बिल्कुल जो अलग विद्रोही होता है उसको रेबल बोलते हैं। व्हेन एवरीबॉडी है शॉर्ट है, रेबल का नेचर किस तरह का होता है, किस तरह से वो करता है, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। व्हेन एवरीबॉडी है शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सबको शॉर्ट हेयर पसंद होते हैं, हर कोई शॉर्ट हेयर रखता है, छोटे बाल रखता है, तो रेबल अपने बाल लंबे रखना पसंद करता है। व्हेन एवरीबॉडी हैज लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। और जब सबको लंबे बाल रखने होते हैं, लंबे बाल रखता है, तो वो अपने बाल छोटे करा लेता है। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डजंट से अ वर्ड। जब कोई भी लेसन चल रहा होता है किसी भी तरह का, तो उसमें सब एक दूसरे से बात करते हैं, जब डिस्कस करते हैं, तो रेबल कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, एक वर्ड भी नहीं बोलता। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। और जब कोई भी कुछ नहीं बोलता, सब शांत होकर पढ़ रहे होते हैं, तो वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है रेबल। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ। और व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ द रेबल ड्रेसेस सोबरली। जब सब कोई यूनिफॉर्म पहनता है, हर कोई यूनिफॉर्म में आता है, तो वो क्या करता है, वो फैंटास्टिक मतलब पार्टी वियर ड्रेस पहनता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। और जब सब फैंटास्टिक ड्रेस पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वो सोबर ड्रेस पहनता है, सोबर मतलब सिंपल ड्रेस। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग। मतलब जब कंपनी में हर कोई डॉग को लव करता है, डॉग को पसंद करता है, डॉग की कंपनी वाले जो ग्रुप होता है, जो डॉग को लव करते हैं, उसमें वो किसको प्रेफर करता है, कैट को प्रेफर करता है। और जब सब कैट को लव करते हैं, जब कैट लवर्स की कंपनी में वो होता है, तो वहाँ किसकी बात करता है, वो डॉग की। जब वो गो डॉग के लिए अच्छा बोलता है, मतलब सबके उसे अगेंस्ट बोलना है। व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। जब हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सन की इच्छा होती है, सन की तारीफ करते हैं कि हाँ भाई सूरज धूप निकलनी चाहिए, तो वो क्या चाहता है कि वो वर्षा, उसे वर्षा की आवश्यकता होती है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। और जब हर कोई रेन चाहता है, सबको रेन अच्छी लग रही होती है, तो वो क्या चाहता है, वो सन की ना होने की शिकायत करता है कि मतलब सन क्यों नहीं निकल रहा। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. Or when everybody stay at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब हर व्यक्ति मीटिंग में जा रहा होता है, कहीं मतलब मिलने जा रहा होता है, तो वो क्या पसंद करता है, वो पसंद करता है मैं घर पर रह के बुक पढ़ूँ, कहीं नहीं जाऊँ। और जब हर कोई घर पर रह के बुक पढ़ रहा होता है, तो उसको बाहर मीटिंग में जाना होता है। When everybody says yes please, द रेबल सेज नो थैंक यू। और व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज। क्लियर होगा कि जब हर कोई यस प्लीज बोलता है, तो रेबल बोलता है नो थैंक्स, नो थैंक यू। और जब हर कोई नो थैंक यू बोलता है, तो रेबल बोलता है यस प्लीज। इट्स अ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि अगर हमारे पास रेबल है, हम रेबल रखते हैं। और यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। और आप ये भी, यू मे नॉट फाइंड इट, ये आप पता नहीं लगा सकते इट वेरी गुड टू बी वन की किसी एक के लिए अच्छा हो सकता है रेबल होना या नहीं। इसके पोएट हैं डी जे एन राइट। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। मान लीजिए स्कूल में यदि कोई स्टूडेंट विदाउट यूनिफॉर्म आ जाता है, यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है स्कूल, तो आप क्या सोचते हैं कि टीचर फिर क्या कहेगी इस कंडीशन में। आंसर है, इफ़ समवन डज नॉट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल द टीचर वुड स्कोल्ड हिम
एंड प्रोबेबली आस्क हिम टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास। यदि कोई भी स्टूडेंट स्कूल में विदाउट यूनिफॉर्म आता है तो टीचर एक तो उसे डांटेगी, डांटती है ना, और फिर ये भी होगा कि वो उसे क्लास के बाहर खड़ा होने को बोल देगी कि आप क्लास के बाहर खड़े रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन एवरीवन वांट्स टू क्लियर स्काई, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट। जब हर किसी को बिल्कुल साफ स्काई चाहिए होता है, मतलब सन चाहिए होता है, तो उस समय रेबल क्या चाहता है। सेकंड आंसर, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रेबल वांट्स रेन द मोस्ट। तो रेबल चाहता है उस समय कि बारिश हो, जब सबको धूप की आवश्यकता होती है। इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। जब रेबल को डॉग पसंद होता है तो बाकी सबको क्या पसंद होता है। इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट देन एवरीवन एल्स टू लाइक टू लाइकली टू हैव अ कैट। तो बाकी सबको क्या पसंद होता है, कैट पसंद होती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज इट गुड टू हैव रेबल, एक रेबल का होना हमारे लिए क्यों अच्छा है। इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स, एक रेबल मतलब विद्रोही का होना इसलिए अच्छा है क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो रेबल होते हैं वो बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मिसचीफ एंड अम्यूजमेंट टू अदर्स। और क्या होता है कि एक तो वो शैतानी करते हैं और उससे क्या होता है कि सबका अम्यूजमेंट मनोरंजन करते हैं। कुछ कोई एक बिल्कुल डिफरेंट बच्चा है क्लास में, मान लीजिए बिल्कुल अलग अलग काम करेगा तो सबको उसको देखकर हंसी आएगी ना, सबको उसे देख देख के हंसेंगे, खुश होंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, मतलब अम्यूजमेंट वो मनोरंजन का साधन बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रेबल वंसेल्फ, किसी का भी रेबल होना मतलब अच्छा क्यों नहीं है, किसी को रेबल क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ, किसी एक का भाई रेबल होना अच्छा तो वास्तव में नहीं है। बिकॉज देन द अदर्स वुड लाफ एट अस, एक तो सब फिर हम पर हंसेंगे। मान लीजिए सब पढ़ रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं, हैं हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ सबको तो धूप अच्छी लग रही है, हम बारिश चाह रहे हैं, तो लोग हंसेंगे ना हमें कि ये बिल्कुल ही अलग है। एंड वी वुड बी स्कोल्डेड, और उसको डांट भी पड़ेगी। जब क्लास में लेसन के बीच में डिस्टर्ब करेगा कोई बच्चा तो डांट तो पड़ेगी ना। एंड मेट विद डिफरेंस बाय एवरीवन वी डिसएग्री विद, अब वो सबसे अलग से अलग अलग बात करेगा और सब उससे सहमत नहीं होंगे, डिसएग्री होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट, फाइंड इन द पोएम एंड एंटोनियम अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें वर्ड्स दिए, इनका हमें एंटोनियम बताना है। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो, ग्रो का क्या है कट, ग्रो मीन्स बढ़ना, कट मीन्स काटना। क्वाइटनेस, क्वाइटनेस मतलब शांति, और डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब करना किसी को, उसमें मतलब दखल डालना। सोबर मतलब सिंपल ड्रेस, और फैंटास्टिक मतलब चमक धमक वाली पार्टी वियर ड्रेस। लॉस्ट मीन्स खोना, और फाइंड मीन्स पाना, हो गया एंटोनियम्स। नेक्स्ट है थर्ड एक्सरसाइज, फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। ये जो लाइंस दी गई हैं इनसे मैच करती पोएम की लाइन कौन सी है वो हमें बतानी है इसमें। फर्स्ट है द रेबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, रेबल अपने बाल नहीं कटवाना चाहता है ना। इसमें द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, वो अपने बाल लंबे रखना चाहता, कटवाना नहीं चाहता, तो इससे मैच करती हुई ये लाइन है। नेक्स्ट है ही सेज कैट्स आर बेटर, वो कहता है कि कैट बेटर है। द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, वो कैट को प्रेफर करता है इसका। थर्ड है ही रिकमेंड्स डॉग्स, वो डॉग को रिकमेंड करता है। द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग, ये हमें पोएम में से इसके मैच करती हुई लाइन बतानी है ना, वो है। ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो सन, वो खुश नहीं है क्योंकि वहाँ सन नहीं है, तो इससे मैच करती हुई लाइन क्या है। द रेबल रिग्रेट्स द एबसेंस ऑफ सन, वो शिकायत करता है कि सन नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है ही इज़ नोइजी ऑन पर्पज, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, वो शोर करता है मतलब वो
डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। क्लियर हो गई बेटा, आपकी पोएम पूरी हो गई है, इसका एक्सरसाइज भी मैंने बता दिए हैं। यू शुड नोट डाउन दिस पोएम एंड एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।